guys, welcome back. Bap of all updates is here. Boss, Donkey is not postponed. फाइनली एक ऐसी न्यूज जिसको सुनने के लिए कब से हम लोग वेट कर रहे थे, और एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि क्या ये न्यूज कभी आएगी या नहीं, क्योंकि भाई साहब कल से बहुत जो है जोश सोशल मीडिया पे ट्विटर पर चल रहा था, जिसको देखकर ना दिमाग खराब हो गया था। लेकिन अब से कुछ देर पहले ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है गाइज, ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है। ये आई है राहुल राव पिंकविला, somebody who is trusted, somebody who always will give you a confirmed news. और ऑफिशियली डंकी इज कमिंग ऑन 22nd ऑफ दिसंबर 2023 एज शेड्यूल्ड। ना सिर्फ इतना, तैयार हो जाओ डंकी के टीजर के लिए। भाई साहब क्या न्यूज है इस न्यूज एक्चुअली ना, अब देखो सभी को पता है कि हम सब भी खुद भी कह रहे थे नहीं, डंकी जो है ये पोस्टपोन नहीं होगी जब तक कि ऑफिशियली नहीं आ जाता। कहीं ना कहीं डर सब, सच्ची बताना, कहीं ना कहीं डर सबको लग रहा था यार। VFX से रिलेटेड जो न्यूज़ आ रही है कि VFX अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, RCE टाइम नहीं दे पाई है VFX को क्योंकि एनिमल पे काम कर रही थी, जबकि मैंने आपको बताया था कि एनिमल पर काम करने वाली सिर्फ अकेली RCE नहीं है, और भी दो तीन कंपनीज हैं जो एनिमल के VFX पे काम कर रही है। और राजकुमार ईरानी इस चीज़ को कभी होने नहीं देंगे जो डेट वो पिछले 3 साल से लॉक करके बैठे हुए हैं, 3 साल से। क्रिसमस का टाइम जो नॉन हॉलीडे पे बंदा ऐसा कमाल कर देता है, जवान जैसा वो भाई साहब, या पठान जैसा वो भाई साहब, मतलब क्रिसमस जैसे मौके, क्रिसमस जैसे टाइम को ऐसे कैसे जाने देंगे। 3 साल से वो लोग डेट लेके बैठे हैं। अब तो आएगा असली मज़ा, अब आएगा असली मज़ा। मैं इसलिए खुश ज़्यादा हो रही हूँ, मैं क्लैश की वजह से नहीं, मैं इसलिए खुश ज़्यादा हो रही हूँ कि ये फिल्म फिर से हम लोगों को जिस चीज़ के लिए हम लोग रेडी बैठे थे ना एक्चुअली, कि ये फिल्म आनी है, एक और शाहरुख खान की इस साल में फिल्म आनी है, 1000 करोड़ एक और बार फिर से शाहरुख खान करके दिखाएंगे, वो चीज़ ना वो एक्चुअली लग रहा था कि यार इट शुड नॉट गो इन द वे, ये होना नहीं चाहिए, ये होना नहीं चाहिए, प्लीज़ यार ऐसा ना हो। और कल रात से ये ज़्यादा डर लगने लग गया था, क्योंकि एक एग्जिबिटर की तरफ से एंड से न्यूज़ आ रही थी, तो मुझे लग रहा था यार ये तो फिर बहुत सीरियस न्यूज़ है। बट 12:30 बजे के करीब मेरे ख्याल से न्यूज़ ब्रेक हुई है, और सब लोग पगला चुके हैं, जितने भी फैंस हैं पगला चुके हैं दैट दिस इज़ वंडरफुल। नॉट जस्ट दिस, ये पोस्टपोनमेंट कैंसल्ड है, नहीं हो रही है डंकी, पोस्टपोन नहीं हो रही है, बल्कि टीजर भी आ रहा है, जल्दी से जल्दी टीजर भी आ रहा है, एंड दैट इज रिटन इन बोल्ड, वेट फॉर डंकी टीजर, डंकी टीजर लोडिंग। वाओ मैन, व्हाट अ न्यूज़। अब आएगा ना मज़ा। देखो जब हम बात करते हैं क्लैश की, मैं आपको ओपनली बता देती हूँ, मैं मेरे चैनल पे आपको दोनों ही फिल्मों का सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है, दोनों ही फिल्मों को मैं पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही हूँ। और इस क्लैश के लिए अब हमने खुद को प्रिपेयर कर लिया था इन अ हेल्दी वे, कि यार ये दोनों ही फिल्में आएंगी, दोनों ही ताबड़तोड़ कमाइयाँ करेंगी, और देखेंगे कि क्या कैसा कॉम्पिटिशन रहता है ना, हेल्दी वे ना, पॉजिटिव वे। तो जब पोस्टपोनमेंट की न्यूज़ आई ना, तो मज़ा किरकिरा हो गया था, ये लग रहा था कि यार यू नो कितना अच्छा हम लोग सोच के बैठे हुए थे, कितनी चीज़ें होंगी, एक्साइटिंग चीज़ें होंगी। और अब वैसे ही शाहरुख खान के फैंस हैं, तो वही दुख तो हो रहा था, अजीब सा लग रहा था, लेकिन मन में खुद को ये समझा भी रहे थे कि नहीं जब तक ऑफिशियली नहीं आ जाता मानना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और मानेंगे ही नहीं हम कि जब तक ऑफिशियली नहीं आएगा तब तक हम भी क्यों बोलें कि पोस्टपोन हो गया, नहीं हुई है। मैंने भी अपने हर वीडियो में मेंटेन करके रखा कि भाई पोस्टपोन नहीं हुई है जब तक कि ऑफिशियली नहीं आ जाता है। और व्हाट एन अपडेट, मज़ा आ गया, मज़ा क्या हो रहा है, आज है एक्चुअल ना शाहरुख खान डे, सुबह से जवान डे चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से जवान आज कमाल कर रही है, फिर डंकी की सुपर न्यूज़ आ चुकी है, वंडरफुल टू सी दिस। क्या लग रहा है आपको इस न्यूज़ के बाद, मैं एक्साइटेड हूँ, ओवर रिएक्टेड हूँ, ठीक है ओके बोल देना ओवर रिएक्शन है, कोई बात नहीं, मैं एक्साइटेड हूँ इसलिए मेरा यही रिएक्शन है। आपका क्या है, और आपको कब क्या लगता है टीज़र कब तक आ रहा है, टीज़र की क्या डेट हो सकती है, इसके ऊपर अभी मेरे सोच विचार गया नहीं है, अभी तो मैं ये न्यूज़ ही ब्रेक कर रही हूँ, ठीक है। टीज़र के ऊपर भी एक यू नो सोच विचार वाला, सोच समझ के कुछ ना कुछ करते हैं कि टीज़र कब तक आ सकता है। दिस इज़ सुपर हैप्पी न्यूज़ एंड पॉजिटिव न्यूज़। क्या लगा है आपको, अपना रिएक्शन मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। बाकी फिर लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।